गाइस अभी हम देहरादून हैं और हमारे दो दिन खराब हो चुके हैं क्योंकि हम देहरादून आए थे, फिर हम अगले दिन मसूरी गए घूमने के लिए और मसूरी हमने घूमा फिरा मजे करे। और जो मसूरी का हमारा व्लॉग था उसका डाटा हमारे पास अब नहीं है क्योंकि हमारा फ़ोन ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से हमें अपना फ़ोन रिसेट मारना पड़ा और जो हमारा डाटा था वो सारा चला गया है। तो गाइस अब हम जब नेक्स्ट टाइम मसूरी आएंगे घूमने के लिए तब नेक्स्ट टाइम मसूरी का व्लॉग शूट करेंगे और तब दिखाएंगे हम मसूरी में कैसे मजे करते हैं। तो गाइस आज हम देहरादून जाएंगे और देहरादून का व्लॉग भी शूट करेंगे और देहरादून में हम कहाँ घूमने के लिए जाएंगे और क्या क्या चीज़ देहरादून में बहुत अच्छी है वो भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेगी। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। तो अब हम चलते हैं देहरादून के लिए और करेंगे बहुत सारी मस्ती। और गाइस हाँ, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी जिसकी वजह से अभी हमें लेट हो चुका है, अभी फ़िलहाल 1 बज गया है। तो गाइस अभी हम रेडी हुए हैं जस्ट और अब चल रहे हैं देहरादून घूमने के लिए। अभी वैसे बिल्कुल मैं ठीक हूँ, तो चलिए आप भी मेरे साथ घूमने के लिए, तो चलते हैं। अब हम निकल चुके हैं अपने रूम से। सबसे पहले हम जाएंगे घूमने के लिए सहस्त्रधारा, वहाँ पर बहुत अच्छा झरना है और हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर लोग कैसे घूमने के लिए आते हैं और क्या सीन होता है वहाँ का। अब हम जा रहे हैं सबसे पहले सहस्त्रधारा, तो चलिए आप भी हमारे साथ। भाई अभी हम क्लॉक टावर पहुंचने वाले हैं और अभी हम आपको देहरादून में क्लॉक टावर दिखाते हैं, बस जस्ट पहुंचने वाले हैं अभी 5 मिनट के अंदर। अभी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो भाइयों अभी हम क्लॉक टावर पहुंच चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर पहले ही घर से निकले हैं। तो अभी हम जाएंगे सबसे पहले सहस्त्रधारा, अभी रास्ते में ही है मगर अभी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। मगर भाई यहाँ पर मौसम बहुत प्यारा हो रहा है यार, ठंडी ठंडी हवा और धूप निकल रही है बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सनलाइट पड़ रही है ऊपर से। गाइस आप ये देखे कितना प्यारा व्यू है सहस्त्रधारा के ऊपर। और ये हाथ जोड़ लेते हैं हम सबसे पहले भगवान जी को और जय मां सुरकंडा देवी पे कृपया बनाए रखे माँ, हम पे भी और हमारे दोस्तों पर भी। तो भाइयों अब हम सहस्त्रधारा आ चुके हैं और अब चलते हैं नीचे सहस्त्रधारा और दिखाते हैं आपको झरना। तो चलिए गाइस मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ व्यू। ये देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ पर। और अभी हम चलते हैं नीचे। गाइस हम फाइनली सहस्त्रधारा आ चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना प्यारा झरना है और अभी हम आपको नीचे से और दिखाते हैं गिरी के सामने से। गाइस पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, अगर आप यहाँ पर आने के लिए सोचते हो तो आपको समर में आना चाहिए क्योंकि समर
क्योंकि समर में आने का मजा ही कुछ और है यार। अभी सर्दियों में तो यहाँ पर सिर्फ आप व्यू का नजारे ले सकते हो, क्योंकि आप नहा तो नहीं सकते हो, क्योंकि नहाने की तो हिम्मत नहीं है कि पहाड़ों के बीच में आप झरने से नहा लो। तो इसलिए गाइस आपको समर में आना चाहिए। तो अभी हम आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं, ऊपर क्या है भाई। अभी मैंने पानी को टच किया था, पानी इतना ठंडा है ना यार कि आपको क्या ही बताऊं मैं, इतना ज़्यादा ठंडा है पानी। और अगर आपको इन भाइयों जैसा मजा लेना है तो भाई उसकी पावर तो आपको पता ही है, दो बोतल और गर्मी इतनी आ जाएगी कि तुम्हें ये क्या, अगर तुम्हें बर्फ पे लेटा देंगे ना वो भी तुम्हें गर्म ही लगेगा भाई, इतना मजा आता है। मैं हम तो ये कह नहीं सकते हैं क्योंकि हम नहीं करते हैं ऐसा काम, क्योंकि बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो मेरे पीछे कितना प्यारा व्यू है, और इस व्यू पर यार ब्रेकफास्ट करने का अलग ही मजा आएगा। तो हम सबसे पहले अंकल की दुकान से ऑर्डर कर देते हैं खाना। तो गाइस हम यहाँ पर खाएंगे मैगी और एक ऑमलेट। तो गाइस अब हमारा ऑर्डर आ चुका है, और हम सबसे पहले इस व्यू के साथ, कितना प्यारा सा व्यू है इसके साथ, अंकल जी ने इसकी ओपनिंग करने के लिए भी हमारे सुभाग का प्रयोग किया है। तो हम सबसे पहले इसकी ओपनिंग कर देते हैं, और ये हमने इसकी ओपनिंग कर दी है। तो चलिए शास्त्र धारा में हमने की सॉस की ओपनिंग। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी इस प्यारे से व्यू के साथ हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। गाइस हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो आप भी खाइए हमारे साथ। और पहले आप लीजिए ऑमलेट। वाह, सामने पानी का झरना और साथ में ब्रेड ऑमलेट। साथ में मैगी, गाइस जब भी आप ऐसी लोकेशन पे होते हो तो सबसे ज्यादा तो ये ट्राई करते हैं हम। बट गाइस फाइनली हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिया है, और यहाँ पर बहुत सारा घूम लिया है। अब हम चलते हैं आपको लेकर बुद्धा टेम्पल, और आप यार इसके नज़ारे तो देख ही सकते हो। इसका हाथ लगाने का भी मन नहीं कर रहा, इतना ठंडा है। अब हम चलते हैं ऊपर। तो गाइस अब हम चलते हैं बुद्धा टेम्पल, तो चलिए लेट्स गो। तो गाइस अब हम शास्त्रधार से निकल चुके हैं, अब हम जाएंगे बुद्धा टेम्पल, और वहां पर दिखाते हैं आपको कि बुद्धा टेम्पल पर क्या क्या है। तो अब फाइनली बाय बाय शास्त्रधारा, फिर आएंगे कभी, जब अगली बार आएंगे गाइस तो हम गर्मियों के टाइम पर आएंगे। आप भी गर्मियों के टाइम पर ही आना, और यहाँ पर नहाकर जाना, बहुत ही ठंडा पानी है यहाँ का, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चल गाइस अभी हम बुद्धा टेम्पल पहुंचने वाले हैं, अभी रास्ते में 3 किलोमीटर और रह चुका है हमसे। अभी हम फिर आपको दिखाएंगे बुद्धा टेम्पल में कितनी प्यारी प्यारी जगह है। तो अभी चलते हैं बुद्धा टेम्पल, तो चलिए आप भी हमारे साथ, लेट्स गो बुद्धा टेम्पल। बस अभी हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और ये खड्डी धारा से बुद्धा टेम्पल है 31 किलोमीटर, लगाया। तो भाई हम बुद्धा टेम्पल आए थे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रास्ता ही बंद कर रखा है इन्होंने, और ये रास्ता जब से लॉकडाउन हो रखा है तब से ही बंद है बुद्धा टेम्पल। हमें नहीं पता था कि बुद्धा टेम्पल बंद होगा, तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब हमें वापस जाना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं वापस। जैसा आपको पता है बुद्धा टेम्पल तो बंद था, और आज हमें घर भी निकलना है, और शाम होने वाली है, अब 4 बज चुके हैं। अभी हम हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं, तो बस अब हम घर जा रहे हैं।
सामने आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है। और जो आप बादल के कलर देख रहे हो ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है इन पर। और आप देख सकते हो कितना प्यारा बादल का कलर आ रहा है। तो गाइस अब चलते हैं घर, तो चलिए जल्दी। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंचने वाले हैं, बस 10 मिनट का रास्ता रह गया है। और गाइस आई नो कि ये व्लॉग इतना अच्छा नहीं गया है, क्योंकि गाइस मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तबीयत के कारण भी हम इतना अच्छा व्लॉग शूट नहीं कर पाए हैं। और हम एक दो जगह गए हैं जैसे कि FRI और बुद्धा टेम्पल और गुच्चू पानी, ये 3-4 जगह थी जो वो बंद थी, जिसकी वजह से हम वहाँ पर नहीं जा सके। जो अगला व्लॉग आने वाला है वो बहुत अच्छा होगा और एक नई ट्रिप के साथ होगा, उसको आप बहुत अच्छे से इन्जॉय करने वाले हो, आई प्रोमिस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और गाइस इस व्लॉग को भी यार प्यार देना, सपोर्ट करना। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टाटा।